सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर आईआईटी जेई केमिस्ट्री एडवांस्ड एंड हियर आई एम विद द लॉन्च ऑफ अ न्यू कोर्स ऑन फिजिकल केमिस्ट्री एक्सक्लूसिवली फॉर जेई एडवांस्ड एंड ऑब्वियसली इंक्लूडिंग द टॉपिक्स ऑफ जेई मेंस एज वेल। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें सो दैट आपको कोर्स के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हैं वो पता चल सके। और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक भी दे दूंगा आपको जहाँ आपको इसके रिगार्डिंग जो रिटर्न पीडीएफ है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को देखकर रिटर्न फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो समझ सकते हैं आप वहाँ से। ठीक है, तो जो बच्चा हमारे साथ ऑलरेडी फैमिलियर है उसको तो पता ही है प्रोसेस के बारे में और हाउ थिंग्स गो ऑन, हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं, कितना डीप में पढ़ रहे हैं, उसको तो पता ही है। बट जिस बच्चे ने अभी तक एनरोल नहीं करा हुआ है, हमारे कोई भी कोर्स अभी तक किसी भी रीज़न से नहीं लिया हुआ है, तो मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार पढ़ के देखें। आपको ऑब्वियसली एक बेटर फील आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी जो होगी वो बेटर होगी रिगार्डिंग द सब्जेक्ट एंड ऑब्वियसली मार्क्स स्कोर करना वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी आपके लिए, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा फॉर श्योर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं कि हम इस कोर्स के अंदर क्या करने जा रहे हैं। सो जो टॉपिक्स रहने वाले हैं इस कोर्स में वो रहने वाले केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अगर आप इसकी इम्पॉर्टेंस की बात करो तो ये सभी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये एडवांस वाले टॉपिक्स हैं। एडवांस में आपको एक अच्छी पकड़ चाहिए होगी इन टॉपिक्स में। और अगर आप क्वेश्चंस का कंट्रीब्यूशन देखोगे फिलहाल अभी 2-3 साल तो टाइट्रेशन का भी बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया है, बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। और आयनिक तो सदाबहार है, बहुत दिन से चला आ रहा है और वो आता ही आता है। और कहीं ना कहीं बच्चों को आयनिक इक्विलिब्रियम में एक लेवल के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन आना स्टार्ट होता है। एक लेवल तक ठीक है, जब तक नॉर्मल फॉर्मूला एप्लीकेशन है तब तक तो चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छे से आती हैं, लेकिन जब एक लेवल के बाद क्वेश्चंस जब पुश किया जाता है ऊपर ना, तो वहाँ पे बहुत परेशानी होती है। वो परेशानी इसलिए होती है क्योंकि आपने उस तरह का पहले कभी देखा ही नहीं थ्योरी में, अपने उस तरह के क्वेश्चंस आपने पढ़े ही नहीं थ्योरी में, और उसके बाद आपको डायरेक्टली मिल जा रहे हैं ना, तो अप्लाई करने में सबको प्रॉब्लम होगा। तो आपको पहले उस फॉर्मेट के क्वेश्चंस थ्योरी में पढ़ने होंगे। तो मैं आपको बताऊं, आयनिक इक्विलिब्रियम की जो थ्योरी होगी ना, वो भी बस केस बना बना के हम इस तरह से पढ़ते होते हैं, बहुत सारे केस बनाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तब क्या करें, ऐसा क्वेश्चन आया तब क्या करें, ऐसा क्वेश्चन आया तब क्या करें, इसकी थ्योरी भी इसी तरह से डिजाइंड होती है। इवन मैं आपको बताऊं, जो आप सॉल्युबिलिटी को जो हाइड्रोलिसिस से इफेक्ट होती है ना सॉल्युबिलिटी, इस कॉन्सेप्ट पे भी जेई एडवांस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया। और ये मैं इसलिए इस टॉपिक को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है जो आयनिक इक्विलिब्रियम से फिलहाल में पूछा गया है कि हाइड्रोलिसिस से सॉल्युबिलिटी इफेक्ट हो जा रही है। तो ये भी जो बच्चा केस बना के इस चीज़ को पढ़ा हुआ है ना, उसके लिए ये बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं 2 मिनट का खेल है। और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो एग्ज़ाम में इस चीज़ को फ्रेश क्रैक कर पाना इम्पॉसिबल है, आपके लिए नहीं मेरे लिए भी सबके लिए इम्पॉसिबल है। एग्ज़ाम में आपने उस तरह का कभी कुछ देखा ही नहीं और आपको हाइड्रोलिसिस पता है, सॉल्युबिलिटी पता है बस, और आप उसको क्रैक कर रहे हो फॉर्मूला, ये बड़ा मुश्किल जॉब है। तो आयनिक में ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ें, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मैं दूंगा। हर केस आपको कॉपी में लिखा दिया जाएगा, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी उसके बाद। इवन केमिकल इक्विलिब्रियम में भी यही है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी जब अपन सॉल्व करते हैं तो कभी इनिशियली 1 मान लेते हैं, ये भी डाउट आता है बच्चों को, कभी इनिशियली 1 मान के कर दे रहे हैं सर, कभी इसको प्रेशर के फॉर्म में कर दे रहे हैं, कभी कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, कभी मोल्स लिख दे रहे हैं सर थोड़ा समझ नहीं आता कि कब क्या लेना है। कभी आप बोलते हो नहीं इनिशियली 1 नहीं ले सकते, कभी 1 ले सकते हैं सर, ये तो समझ नहीं आता हमको। तो ये सब कन्फ्यूजन केमिकल इक्विलिब्रियम में आते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह के कन्फ्यूजन आ रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इस तरह के कन्फ्यूजन्स पूरी तरीके से क्लियर करेंगे हम। ठीक है, तो टॉपिक्स यही है। और यस, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन तो थोड़ा बहुत सबको पता रहता है, बट उसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस एंड थ्योरी बोथ, सभी टॉपिक्स के। ठीक है, तो यस, दीज आर द हाईलाइट्स ऑफ द कोर्स।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यस डेप्थ इन एडवांस कॉन्सेप्ट्स, ये आपको खुद ही फील होगा जब आप पढ़ेंगे तो, एंड डेवलपिंग करेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना, खास करके आयनिक इक्विलिब्रियम में। आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन देखकर समझ में आ गया, ये वाले अप्रोच से आप मत पढ़िए, आपको उस समय समझ में आ रहा है बट लॉन्ग टर्म में वो नहीं सस्टेन कर पाओगे आप, ऐसे उस समय लगेगा हाँ यार देख लिए समझ आ गया ठीक है। आप लॉन्ग टर्म में तभी आयनिक को ढंग से समझ पाओगे जब आपके सामने कोई क्वेश्चन को सॉल्व करे और बताए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ठीक है आपने ये प्रोसेस तो कर दिया, आप सॉल्यूशन देखते हो तो आपको बस यही समझ में आता है कि हाँ यार ये तो हमने कर दिया, लेकिन जो चार चीज़ें और हैं ये क्यों नहीं हो सकती, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उसका भी क्यों आपको बराबर पता होना चाहिए, तब आप बोल सकते हैं हाँ यार हमारी पकड़ आ गई है सब्जेक्ट में। ठीक है, तभी आप बोल सकते हैं कि आपकी पकड़ जो है वो आ गई है चैप्टर में। तो बस यही टॉपिक्स रहने वाले हैं, और मैं छोटे मोटे जो डिटेल्स हैं प्राइजिंग एंड ऑल वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। सो यस यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 499 ओनली, दैट विल बी द कॉस्ट फॉर दिस कोर्स ओनली, केमिकल आयनिक एंड टाइट्रेशन। और कितने दिन चलेगा सर, रफली मैं बता रहा हूँ, रफली हमारे क्लासेस जो है 15 से 20 दिन के बीच में चलेंगी। ठीक है, 15 टू 20 डेज रेगुलर क्लासेस एक्सक्लूडिंग संडेज, बट सम संडेज वी ऑल्सो टेक डाउट क्लासेस, तो कभी कभी संडे को क्लास हो जाती है बट नॉर्मली फॉर्मली आपको मैं बता दूं संडे ऑफ मान के चलो। तो 15 टू 20 डेज के बीच में हमारा ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, बहुत प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। अभी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है, वी आर अबाउट टू फिनिश इट इन 3-4 डेज एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग दिस कोर्स। And yes, how to register? You have to just WhatsApp this detail on this number and then you will get the payment links and all, and then you will be one step away from getting registered. Now, some more points. Kuch aur agar doubt hai aapko, to yahan pe likha hua hai. So, classes jo hamari hoti hain, ye do shifts mein conduct hum karte hain. That is morning shift एंड नाइट शिफ्ट, दोनों में सेम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सेम पेस के साथ पढ़ाया जाता है, सेम कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, सेम कंटेंट दिया जाता है, सेम पेस भी। मॉर्निंग क्लास उस दिन जहाँ फिनिश करी है मैंने, नाइट क्लास भी वहीं फिनिश करनी है, बिल्कुल सेम चलती है चीज़ें। तो अगर कोई बच्चा सुबह वाली क्लास मिस कर रहा है तो वो रात वाली क्लास कर सकता है, रात में अगर उसको कोई काम है या किसी वजह से कोई क्लास क्लैश हो रही है उसकी तो वो मॉर्निंग वाली क्लास कर सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों ही बैचेस का एक्सेस दिया जाएगा, वो बात इधर लिखी हुई है। एंड यस, क्लासेस हमारी लाइव होंगी, जूम मीटिंग ऐप लाइव क्लासेस ही होंगी, एंड रिकॉर्डिंग्स जो होंगी ओनली सिलेक्टेड लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड, ओनली सिलेक्टेड लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होंगे। मान लीजिए कि आपको कोई बहुत ही अर्जेंट कुछ हो रहा है, आप उसका अगर जस्टिफिकेशन दे पाते हैं ठीक से, यस, तो रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड, अदरवाइज यू हैव टू अटेंड क्लासेस लाइव। आपको लाइव करना है क्योंकि देखो प्रॉपर इंटरेक्शन के साथ क्लासेस होती हैं, आप यहाँ नॉर्मल जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है उससे मत कंपेयर करो, पूरा प्रॉपर इंटरेक्शन है। कमेंट सेक्शन ओपन है, जो बच्चा अभी पढ़ रहा है हमसे वो भी अपना फीडबैक दे सकता है, अगर मैं कोई बात गलत बोल रहा हूँ तो वो भी बता सकता है, तो आपको कोई भ्रम में नहीं रखा जा रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑनेस्टली आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तो यस, स्टूडेंट्स आर फ्री टू आस्क देयर डाउट्स डायरेक्टली ऑन चैट्स, हाँ चैट्स में पूछते हैं और बराबर उसका आंसर मिलता है। एंड यस, इवन दे आर गिवन माइक एक्सेस इफ रिक्वायर्ड, अगर नहीं समझ आ रहा है सर कैसे पूछूं, नहीं समझा पा रहा है वो चैट में, तो मैं माइक का एक्सेस देता हूँ, बिल्कुल आराम से हम इंटरेक्ट करके बातें करते हैं। सो इन दिस वे क्लासेस आर कंडक्टेड। एंड और मैं बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए डाउट्स बच्चों के थोड़े एक्यूमुलेट हुए, उन्होंने रिविजन किया, डाउट्स एक्यूमुलेट हुए, तो मैं एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी ले लेता हूँ और मैं ही डाउट्स आंसर करता हूँ। ऐसे नहीं किसी को बैठा दिए किसी को भी, चल भाई डाउट बता दे बच्चों के, कुछ भी बता दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डाउट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। एंड प्री रिक्विजिट, यस प्री रिक्विजिट ज़्यादा कुछ नहीं है, क्लास 11th का टॉपिक है तो 2024 वाला बच्चा तो बिल्कुल कर सकता है, और 23 वाले बच्चे को तो करना ही है क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं।
एग्ज़ाम आ रहे हैं और अब आपको कमांड चाहिए, अच्छे लेवल का कमांड चाहिए, ठीक है। आपने अगर पहले पढ़ा भी हुआ है फिर भी आप पढ़िए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं थर्मोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो बहुत अच्छे अच्छे बैचेस से पढ़े हुए हैं, लेकिन स्टिल वो हमसे पढ़ रहे हैं और वो फील कर रहे हैं इस बात को कि यस वी आर इम्प्रूविंग, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल ये फील करेंगे। तो यस, द प्री रिक्विजिट इज सिंपल, आपको बस बेसिक मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए एंड बेसिक आइडिया ऑफ आइडियल गैस, रियल गैस। कोई रियल गैस का बहुत डिटेल भी नहीं ज़रूरत है इस चैप्टर में, हाँ, बट अगर आपने रियल गैस का भी डिटेल किया हुआ है तो अच्छी बात है, बट यस आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझिए आप। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको आने चाहिए, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब आपको आना चाहिए क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है। बाकी और कुछ ज़रूरत नहीं है, और कुछ बाकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने मेरे साथ केमिकल काइनेटिक्स का कोर्स मेरा किया हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़े दूसरे लेवल पे होगी और अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे। और जिन्होंने नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगा, नॉर्मली हर जगह केमिकल काइनेटिक्स से पहले ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से केमिकल काइनेटिक्स भी करने के बाद अगर ये करा जाए तो एक और बेटर फीलिंग आती है। बट आप ऐसा मत सोचो कि काइनेटिक्स नहीं किया हो तो आपको नहीं हो पाएगा ये चैप्टर, ऐसा नहीं है, आप आराम से कर लोगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये रहे पूरे डिटेल्स, एंड रजिस्ट्रेशंस आज से ही स्टार्ट हो गए, तो रजिस्ट्रेशंस आज से ही स्टार्ट हो गए तो आप बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हैं। और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? यस, क्लासेस वी विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम 17th ऑफ नवंबर, एज यू कैन सी इट इज़ रिटन ओवर देयर। और इस PDF का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से प्रॉपरली अगर रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं, ओके। फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, बिकॉज आई नीड कि जितना एक्चुअल एडवांस कंटेंट जो है, रियल एडवांस कंटेंट, वो पहुंचना चाहिए हर जगह, सो दैट एक हेल्दी कंपटीशन बिल्ड हो और बच्चे इम्प्रूव करें एक्चुअली जेई एडवांस्ड के एग्ज़ाम में, जो मेरे हिसाब से एक रियल टेस्ट है, सबसे बढ़िया कोई टेस्ट है, सबसे बढ़िया कोई चेक है कि बच्चे को कितना सब्जेक्ट आता है, तो वो जेई एडवांस्ड ही है और कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।